वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स, मेरा नाम सोमनाथ है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर, सक्सेस कंसल्टेंट एंड आपका सक्सेस पार्टनर हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे पिछले वीडियो में आपने देखा था कि आप लोगों को लोग क्या चाहते हैं, कम्युनिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है और लोगों को आप कैसे सुनेंगे। आज हम बताएंगे कि अगर आप लोगों के साथ एग्री कर रहे हो तो वो क्या चीज है जो आपको फॉलो करना है, ताकि आप अपने एग्री जो आप कर रहे हो उसमें आप मोहर लगा सको, उसमें एग्री करने के साथ साथ उस इंसान को आप जीत भी सको। याद रखिए, अगर आप इंसान को जीत लेंगे तो आपका काम भी जीत जाएगा, अगर इंसान को हार लेंगे तो आपका काम भी कम हो जाएगा या काम में भी आप सफलता नहीं मिलेगा। सो ये 6 पैरामीटर है जो लोगों को आप अगर फॉलो करेंगे तो लोगों के साथ अच्छा एक रिलेशन आप बना के रख पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये एक एक पॉइंट अगर आप लाइफ में अप्लाई करेंगे, इसको फॉलो करेंगे और अपने डे टू डे लाइफ में यूटिलाइज करेंगे, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में, अपने सोशल लाइफ में, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट इसका मिलने वाला है, राइट। सो पहला जो पॉइंट है, द आर्ट ऑफ बीइंग एग्रीएबल हैज 6 पार्ट्स, 6 पैरामीटर होता है। नंबर 1, लर्न टू बी एग्रीएबल टू एग्री विद पीपल, लर्न टू एग्रीएबल, लोगों के साथ एग्री होना सीखिए फ्रेंड्स। कुछ भी चीज में आप हमेशा अगर उनके उनका उनके साथ डिसएग्री हो जाएंगे तो सिंपल बात है, वो भी आपके साथ डिसएग्री हो जाएगा। सो हमेशा कोशिश करिए कि लोगों के साथ लर्न टू बी एग्रीएबल, एग्रीएबल होना। हो सकता है वो गलत कुछ बोल रहा है, जरूरत नहीं कि आप उसमें झंडा लेके हमेशा प्रोटेस्ट करना चालू करो, आप उसके साथ सिंपली एग्री होना कोशिश करो। आपका बच्चा भी छोटे उम्र में बहुत कुछ चीज आपके साथ एग्री नहीं करता था, लेकिन आप उसके साथ अलाइन रहते थे और आप उनको समझाते थे कि बेटा यस करो तो आपको अच्छा है। सो सेम केसेस में यहाँ पे भी आपको क्या करना है, लर्न टू बी एग्रीएबल टू एग्री विद पीपल, बहुत जरूरी है। सेकंड जो है, टेल पीपल व्हेन यू आर एग्री विद देम, और जब उनके साथ आप एग्री करते हो तो जरूर बताना फ्रेंड्स कि यस, ये पॉइंट आपको मैं 100% एग्री करता हूँ, ये जो आप आपने बताया ये पॉइंट मैं हमेशा मैं भी इसको बिलीव करता हूँ। सो ऑलवेज याद रखिए, एग्री करना बहुत जरूरी है। अगर आप एग्री हो रहे हो, उनके साथ सहमत हो रहे हो, तो वो बताइए उनको, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डू नॉट टेल पीपल व्हेन डिसएग्री विद देम अनलेस इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, जब तक की जरूरत ना हो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे, अगर आप उसके साथ डिसएग्री कर रहे हैं तो बताने का जरूरत नहीं है बताने का जरूरत, क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर आप डिबेट जीतेंगे तो रिलेशन हारेंगे, अगर रिलेशन जीतना है तो डिबेट को हारना जरूरी होता है, राइट। आप रिलेशंस में है, आप अगर डायरेक्ट सेलिंग में है, अगर आप सेल्स प्रोफेशंस में है, तो आप लोगों को जीतना है आपको, क्योंकि लोग हमेशा लोगों को जीत के ही आगे बढ़ता है, राइट। सो यस, आप अगर उसके साथ डिसएग्री है तो मत बताइए, आप अपने बात रखिए, लेकिन उनके साथ अगर एकदम एक्सट्रीम केस ना हो तो बताने का जरूरत नहीं। हम लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों को मैंने भी देखा है छोटे छोटे बात पे डिसएग्री होके ऐसे कम्युनिकेशन क्रिएट कर लेता है कि वहां पे उनका पर्पस ही सॉल्व नहीं होता है, उनका पर्पस ही सॉल्व नहीं होता है। हमेशा फोकस रखिए अपने पर्पस पे कि आप यहाँ पे किस लिए आए हैं, क्या काम आपको उनसे कराना है, और इसके लिए ऑलवेज ऑलवेज एब्सोल्यूट नेसेसरी ना हो तो किसी के साथ अगर डिसएग्री है मत बताइए। एडमिट इट व्हेन यू आर रॉन्ग, अगर आप गलत हो तो ये एक बड़े इंसान का निशानी है, अगर आप कहीं पे रॉन्ग हो तो उसको बताइए कि यस ये मेरा फॉल्ट था, यस आई वॉज द डिफॉल्टर। और ये आपको बताने से ना, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं, ये बताने से आप नीचा नहीं होते, ये बताने से आप ऊपर जाते हो, आपका रिस्पेक्ट उनके नजरों में बढ़ जाता है कि ये इतना बड़ा इंसान है, अपनी गलती को मानता है। यस फ्रेंड्स, अगर आप गलती को, और नॉर्मली अगर आप अपनी गलती को मानोगे तभी आप आगे जाओगे, बिना गलती माने अगर आप गलती को नहीं मानेंगे, आपके लिए आगे निकलना, आगे जाना इट्स डिफिकल्ट है, क्योंकि आपका प्रोग्रेस का, इम्प्रूव का रास्ता ही खत्म हो जाता है अगर आप सोच लेते हो कि मेरे से तो गलती हो ही नहीं सकता, मैं तो कोई गलती करता ही नहीं हूं। अगर ये आप सोच लोगे तो आपका क्या होगा, वो एडमिट अगर आप नहीं कर पाओगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी एडमिट नहीं कर पाएगा, आप उस चीज को करेक्ट नहीं कर पाओगे। सो अगर आप कहीं पे गलत हो तो उसको एडमिट करिए, ये मेरा गलती था, मैंने ये किया है, या मैंने ऐसा बोला था, या मेरा बोलना नहीं चाहिए था, जो भी है आप उसको तुरंत करेक्ट कर लो, राइट।
रिफेयर योर आर्गुइंग एंड आर्गुइंग को हमेशा आर्गू अगर कहीं पे सिचुएशन हो रहा है सो उसको टालने का कोशिश करो, आर्गू को अवॉइड करने का कोशिश करो। जैसे मैंने आपको दो तीन लाइन पहले ही मैंने बताया कि अगर आप आर्गुमेंट जीतेंगे तो रिश्ता हार जाएंगे। अगर आपको रिश्ता जीतना है, अगर आपको पर्पस को सॉल्व करना है, आपके काम को हासिल करना है तो आर्गुमेंट आप हार सकते हैं, हार के जीतने वालों को बाजीगर कहते हैं। सो आप हारना आपके लिए कोई मैटर ही नहीं है, इसीलिए उसको आर्गू को हमेशा रिफ्रेन करिए, अब आर्गू को अवॉइड करिए, बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हैंडल फाइटर्स प्रॉपरली। कुछ लोग होते हैं जैसे आप, हम लोग जब होम मीटिंग वगैरह करेंगे या आप कुछ सेमिनार्स वगैरह करें, कुछ लोग आते ही है आपके साथ फाइटिंग, बहुत बॉक्सिंग ग्लव्स पहन के ही वो आते हैं मीटिंग में, कि इनको ये दो चार सवाल मारेंगे, फिर इनके साथ एक अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं, अपने आप को समझाना, लोगों को दिखाना चाहते हैं मैं कितना जानता हूं। उनको प्रॉपरली हैंडल करिए, उनको बोली दीजिए सर हो सकता है आपका नॉलेज बहुत ज्यादा हो, ये कॉमन लोगों का सेमिनार है या कॉमन लोगों से हम लोग बात कर रहे हैं, मैं हम लोग अलाउ करेंगे कि अगर आपके साथ हम लोग वन टू वन, इस मीटिंग खत्म होने के बाद वन टू वन अलग सा मैं आपके साथ एक घंटा टाइम देना चाहूंगा। नॉट नेसेसरी आपको एक घंटा टाइम देना है, लेकिन आप उनको ऐसा बोल के चुप करा सकते हैं या उनको बोल सकते हैं सर आप बहुत जानते हैं, आपका नॉलेज लेवल बहुत हाई लेवल पे है और उस हाई लेवल पे हम लोग जब बात करेंगे तो वो प्लेस भी अलग होगा, वो माहौल भी अलग होगा, तो कैन आई मीट यू एट योर प्लेस, आपके घर में क्या हम लोग आ सकते हैं या आप क्या मेरे घर में कॉफी के लिए आ सकते हो। सो ऐसा बोलने से क्या होगा, आप उनके साथ वो आर्गुमेंट, वो जो फ्रेम ऑफ माइंड का पीपल रहता है जो बॉक्सिंग ग्लव्स पहन के आपके होम मीटिंग में, आपके ब्यूटी पार्टीज में, आपके आपके सेमिनार्स में आते हैं, उनको आप अवॉइड कर सकते हैं। सो ये फ्रेंड्स, ये 6 पॉइंट हमेशा याद रखिए कि अगर लोगों के साथ आप एग्री होंगे तो आप जो काम करना चाहते हो, अगर लोग आपके साथ एग्री होगा और आप लोगों के साथ एग्री होंगे उसको बताना बहुत जरूरी है, इससे उनका आपके प्रति विश्वास बढ़ता है, इससे आपके प्रति उनका ट्रस्ट बढ़ता है, इससे आपका काम हासिल होने का या आपके काम को सफल होने का चांसेस बढ़ जाता है। ये जो मैंने आपको बताया, ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया, इसका 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 मैं आपको दो तीन तरीके से, इसका एक छोटा सा कहानी से मैं इसको खत्म करना चाहूंगा इस पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन को, इसका आगे के प्रेजेंटेशन में मैं आपको लेके जाऊंगा। कहानी ये है कि एक बच्चा घर में था, उसका पिताजी आया ऑफिस से थका हारा, और बच्चा जैसे पिताजी आया, बच्चा पिताजी से बोलने लगे, पिताजी आपने मेरे को प्रॉमिस किया था आज हम लोग स्विमिंग पूल में जाएंगे, हम लोग आज पूल में जाएंगे। और पिताजी बहुत ही टायर्ड था तो उसने बेटे को बोला, बेटा मैं बहुत टायर्ड हूँ, लेकिन बेटा सुनने के लिए तैयार नहीं था, बोला नहीं पापा आपने यू प्रॉमिस मी आज हम लोग स्विमिंग में जाएंगे, आपने बोला था और आज हमको आपको जाना ही है। सो ऐसे ही चल रहा था कन्वर्सेशन, अचानक से पिताजी के दिमाग में एक बुद्धि सोचा, उसने देखा कि वहाँ पे एक वर्ल्ड मैप पड़ा हुआ था, उनके घर के एक टेबल में वर्ल्ड मैप पड़ा हुआ था। उन्होंने पिताजी ने क्या किया, वो वर्ल्ड मैप उठाया और उसको टुकड़ा टुकड़ा कर दिया और बेटे को बोला तुम एक काम करो कि इस वर्ल्ड मैप को आप रीअरेंज करके आओ, जैसे तुम इस वर्ल्ड मैप को रीअरेंज करके लेके आओगे हम लोग तुरंत स्विमिंग पूल में स्विमिंग में जाएंगे। और पिताजी को पता था कि ये करते करते उसको 2-3 घंटा लग जाएगा और उस टाइम में स्विमिंग पूल का बंद होने का टाइमिंग आ जाएगा तो हम लोग उसको इजीली टाल सकते हैं। लेकिन सिचुएशन ये आया, पिताजी उसको ये समझाने के बाद टॉयलेट गया अपना फ्रेश होने के लिए, जैसे वो नहा के निकला और अपना ऑफिस से रिटर्न अपना चाय पीने लगा, बेटा आके बोला पापा दिस इज योर वर्ल्ड मैप, जो आपने टास्क दिया था मैंने कंप्लीट कर दिया, चलो स्विमिंग करने चलते। पिताजी हैरान परेशान और खुश भी, तुमने कर किया देख कर कैसे कर पाया तुमने, इतने कम समय में 10 मिनट में तुमने पूरा वर्ल्ड मैप को रीअरेंज कर लिया। बोला नहीं पिताजी मैंने वर्ल्ड मैप को रीअरेंज नहीं किया था, इस मैप के पीछे एक इंसान का फोटो था, मैंने उस इंसान को जोड़ दिया तो पूरा वर्ल्ड जोड़ गया। यस फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के साथ एग्री हो जाएंगे, अगर लोगों को जीत लेंगे तो पूरी दुनिया आपका हो सकता है।
आप पूरे वर्ल्ड को अरेंज कर सकते हैं अगर आप लोगों को अरेंज करना सीख जाए। सो चलिए हम लोग आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे कि कैसे आप और भी लोगों के साथ अपने स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, एग्री कैसे कर सकते हैं, ये तो आपको इस वीडियो में पता चला। और आपको नेक्स्ट वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों को शेयर करना ना भूले और अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए टीम रॉयल रॉयल के, और प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।